जैसा कि अब तक मैं बोलते हुए आया हूँ कि फॉर बुकिंग योर स्लॉट DM me at my Instagram, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक प्रॉपर डिटेल एंड प्रॉपर इजी वे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। जो बिगनर्स है वो लोग भी कर चुके हैं, IPL खेले वो लोग भी कर चुके हैं। तो बात की जाए इंटरनेशनल की, तो सिंगापुर क्रिकेट टीम के साथ भी मैंने काम किया है। जो मैंने उनके साथ काम किया था, थ्रोडाउंस कराया था, काफी दिन उनके साथ रहा था, तो काफी एक्सपीरियंस वो लोग को शेयर किया मैंने और वहां से भी मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला। वर्क सारा सेशन 1 आवर का रहता है, सभी प्लेयर को कराने का एक्सपीरियंस है। मैंने स्टेट टीम के साथ काम किया है, मैं 10 डेज सेशन कराता हूँ, तो 10 डेज में मेरा 5 to 6 दिन का वीडियो बनता है, उसका मैं ब्लॉग शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे बैटिंग का। एंड जो GH05 है, GH05 मतलब जमशेदपुर झारखंड। हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम GH05। तो आज का वीडियो जो है वो एक कमेंट के ऊपर है। तो एक भाई ने कमेंट किया था, ब्रो स्लॉट बुक करने का प्राइस कितना है और आप अपना स्लॉट बुकिंग पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाओ, ठीक है। तो ये भाई ने कमेंट किया एंड ये कमेंट मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, एंड भाई प्रैक्टिकल लगा इसलिए मैं आज ये फुल वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे स्लॉट बुकिंग कैसे होगा और मेरे सेशन में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, जो काफ़ी दिन से मेरे साथ टच में है, तो आप लोग को पता है कि मैं पर्सनल सेशन देता हूँ क्रिकेट का, ठीक है। सारा सेशन 1 आवर का रहता है एंड उस सेशन में आप लोग को मिलता है थ्रोडाउन करने मिलता है, उसके बाद ड्रिल्स मिलता है, स्पिन सेशन मिलता है, अलग अलग पर्टिकुलर शॉट्स का ड्रिल होता है, लाइक शॉर्ट बॉल ड्रिल्स के लिए गीला टेनिस बॉल से भी मैं कराता हूँ। मतलब क्रिकेट का जितना भी शॉट है हर शॉट का पर्टिकुलर ड्रिल्स करवाता हूँ, एंड मेनली साइड आर्म हो गया, थ्रो डाउन हो गया या फिर स्पीड आर्म हो गया, हर तरह का थ्रो डाउन मिलता है यहाँ पे। एंड जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन है, कुछ पर्टिकुलर उसका प्रिपरेशन चल रहा है, तो वो आके जैसे मान लीजिए किसी को शॉर्ट बॉल पे वर्क करना है तो उस पर फिर प्लास्टिक बॉल से फिर हम लोग ड्रिल करते हैं, गीला टेनिस बॉल से करते हैं। किसी को स्वीप पे वर्क करना है तो वो आके मुझे शेयर करता है कि मुझे स्वीप पे काम करना है, तो हम लोग स्वीप पे भी वर्क करवाते हैं। मतलब जो शॉट पे उसका दिक्कत हो रहा है एंड उसको इम्प्रूव करना है, उस पर ग्रोथ करना है, तो हर पर्टिकुलर शॉट का यहाँ पर प्रैक्टिस मैं कराता हूँ अपने पर्सनल सेशंस में। तो अब बात किया जाए थ्रो डाउन सेशन और स्पिन सेशन। तो अगर आपको लेदर बॉल से करना है तो लेदर बॉल आपको अपना खुद का लाना होगा, ठीक है। और अगर लेदर बॉल से नहीं करना है तो अगर बॉल मैं दूंगा तो मैं सिंथेटिक बॉल से करवाता हूँ थ्रो डाउन, ठीक है। तो लेदर बॉल से अगर करना है तो आपको अपना खुद का बॉल लाना होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे को रहता है। और जैसा कि मान लीजिए अगर आपको दोनों करना है, लाइक थ्रो डाउन और स्पिन दोनों करना है, तो उसमें हो गया जैसे 1 आवर का सेशन है तो आपको आधा स्पिन मिल जाएगा, आधा थ्रो डाउन मिल जाएगा। लाइक आप अपना इंडिविजुअल स्लॉट तो बुक कर ही सकते हो, एंड साथ ही साथ अगर आपका टीम है, आप अपनी टीम के लिए भी स्लॉट बुक करना चाहते हो, मुझे इनवाइट करना चाहते हो, लाइक 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ते का कुछ टूर है अदर सिटीज में भी, तो भी अब अवेलेबल रहेगा स्लॉट। तो इट डजेंट मैटर आप कोई भी अकेडमी में प्रैक्टिस करते हो, आप आके मेरे पास कर सकते हो। एंड मेरे पास लाइक मेरे जो स्टेट है झारखंड एंड जो मेरा सिटी है, यहाँ पे मेरे हर अकेडमी के प्लेयर्स आके मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो इट डजेंट मैटर लाइक आप जहाँ अकेडमी कर रहे हो दैट इज़ योर स्कूल, एंड अगर आप मेरे पास प्रैक्टिस करने आ रहे हो इट्स अ ट्यूशन। आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो इट्स ओके। एंड वन मोर थिंग, आप अपने कोच को इन्फॉर्म करके आना, एंड अगर आप छोटे हो तो यू कम अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉर्मल प्रैक्टिस में बेसिकली आपको 20 to 30 मिनट बैटिंग मिलता है, तो वहाँ पर जैसे आप कोच से डिस्कस करते हो कि क्या क्या शॉट पे मेरा फॉल्ट हो रहा है, तो वो शॉट पे आप वर्क करना है, तो आप मेरे पास आके वर्क कर सकते हो उस पर्टिकुलर शॉट पे। अब बात किया जाए लोकेशन का कि मैं कहाँ पे कराता हूँ, तो मेरा सारा सेशन जो होता है, मेरा पर्सनल सेशन वो होता है जमशेदपुर में। राइट नाउ अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ कवर ड्राइव क्रिकेट अकेडमी यहाँ पे होता है, और हो गया फिर एनिमल क्रिकेट ग्राउंड, एनिमल ग्राउंड जो है लियो क्रिकेट एकेडमी वहाँ पे होता है। तो ये दो पर्टिकुलर ग्राउंड में कराता हूँ, फिर एग्रीको सिविक्स ग्राउंड में भी कराता हूँ। अगर आपको टर्फ बुक करके करना है तो आप एग्रीको सिविक्स ग्राउंड में भी कर सकते हो, ठीक है। और जमशेदपुर में अगर आप किसी और अकेडमी में हो, अगर आप अपने कोच से परमिशन लेके अपने अकेडमी में मुझे इन्वाइट करना चाहते हो तो मैं वहाँ आके भी कराता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग अकेडमी में जाके मैं कराया हूँ, जमशेदपुर को ऑलमोस्ट हर अकेडमी हर ग्राउंड में जाके मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। बात किया जाए मेरे अभी तक का पर्सनल ट्रेनिंग का जर्नी का, तो भाई मेरे पास जूनियर से भी जूनियर क्रिकेटर लोग जो लीग भी नहीं खेलते हैं, जो स्कूल लीग खेलते हैं या फिर जो बिगनर्स है वो लोग भी कर चुके हैं, एंड जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके ट्रॉफीज जीते हैं, IPL खेले वो लोग भी कर चुके हैं। तो मेरे पास सभी प्लेयर को कराने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लाइक 7 साल के बच्चे से लेके मेरे पास 35 से 40 साल तक के क्रिकेटर्स को भी कराने का एक्सपीरियंस है। एंड पिछले 3-4 साल में मैंने अभी तक अराउंड मोर देन 250 बैट्समैन को बैटिंग करा दिया। और अगर मैं आपको अपना थ्रो डाउन करियर का अचीवमेंट के बारे शेयर करूं, तो अभी तक मैंने स्टेट टीम के साथ काम किया है। बात की जाए इंटरनेशनल की, तो सिंगापुर क्रिकेट टीम के साथ भी मैंने काम किया है। जो सिंगापुर के बॉयज थे वो आए हुए थे हमारे जमशेदपुर झारखंड में, तो यहाँ पर भी मैंने उनके साथ काम किया था, थ्रो डाउंस कराया था, काफी दिन उनके साथ रहा था, तो काफी एक्सपीरियंस वो लोग को शेयर किया मैंने और वहाँ से भी मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला। वर्क विद KRS सिंगापुर टीम, जूनियर प्लेयर्स लोग के साथ भी काम किया, लाइक अंडर 16 स्टेट की टीम के साथ भी मैंने काम किया है, और हमारा जो यहाँ पर सीनियर टीम होते हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को हर एज ग्रुप के क्रिकेटर्स के साथ
काम करने का एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन आता है, बिगनर है, न्यू है, या फिर उन्होंने कभी थ्रो डाउन नहीं किया है, वो पहली बार पर्सनल ट्रेनिंग करने आते हैं, तो उनका गेम का जो लेवल होता है उनके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर कोई 12 साल का बच्चा आया है और वो कभी थ्रो डाउन नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली उनको रोबो आर्म से करा दूँगा। पहले मैं उनको थोड़ा नॉकिंग कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्पीड आर्म से कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं उनको रोबो आर्म से कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और बाकी अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो आप लोग मेरा रेगुलरली सेशंस का ब्लॉग्स देखते होंगे, उसमें मैं सारा डिटेल देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन बैटिंग करने आता है। तो लाइक अगर मैं 10 डेज सेशन कराता हूँ, तो 10 डेज में मेरा 5 to 6 दिन का वीडियो बनता है, उसका मैं ब्लॉग शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आपको उससे भी पता चलता होगा कि मेरा कैसे किस तरह का सेशंस चलता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक पहले क्या होता था कि नॉर्मली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे, या फिर जो मुझे जानते हैं वो मुझे कॉल करके बुकिंग कर लेते, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी जैसे कि थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, तो क्या होता है कि बहुत सारा डीएम्स आता है कि मुझे सेशन करना। एंड आप लोग को भी पता है कि एज अ वीडियो क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, सबका डीएम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप लोग को भी पता है। तो अब क्या किया हूँ मैं, जिस तरह से मेरे पास पहले 2 नंबर हुआ करता था, तो एक अभी जिसमें फ़ोन में शूट हो रहा है और एक 2 इधर फ़ोन है, यानी मेरे पास अभी 3 नंबर हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर तो जो हो गया मेरा पर्सनल यूज़ के लिए, व्हाट्सएप एंड कॉलिंग के लिए, एंड 1 नंबर जो है मनी ट्रांजेक्शन UPI वगैरह के लिए। तो ये 2 नंबर तो जो मेरा पर्सनल रहेगा, और जो 3rd वाला मैंने नंबर लिया है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, जो इस वीडियो पे आपको शेयर करूँगा, वो वाला सिर्फ स्लॉट बुकिंग के लिए रहेगा। तो लाइक अगर आपको स्लॉट बुकिंग करना है तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये नंबर आप देख लो, ये नंबर मुझे भी नहीं याद है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 9241 7222 56, ठीक है, 9241 7222 56। सो दिस इज़ द नंबर, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, यू विल गेट द रिस्पॉन्स बाई मी और माई टीम विल रिप्लाई यू, जैसे ही स्लॉट खाली रहता है आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं बाहर से आकर सेशन करना चाहते हो, तो लेट मी मेक यू क्लियर कि मैं कोई भी स्टेइंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर आप आते हो बाहर से, तो कम एट योर ओन रिस्क, आपको अपना स्टेइंग वगैरह देखना पड़ेगा। मैं स्लॉट दूंगा, मैं टाइमिंग दूंगा, आप आके अपना बैटिंग कर सकते हो। बात किया जाए चार्जेस का, तो जब आप कॉल करोगे आपको उस टाइम चार्जेस बता दिया जाएगा, जो अभी करेंट चार्जेस चल रहा है, एंड व्हाट्सएप पे अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको चार्जेस और डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको करना है देन कर सकते हो आप। ओके गाइस, तो जितना हो सका मैंने अपने सेशंस के बारे में आपको डिटेल्स दिया, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 2008 से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में हूँ, तो क्रिकेट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स मुझे पता रहता है। एंड क्रिकेट से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, कुछ चेंजेस आता है, तो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। सो आई होप जितना कुछ भी मैंने इस वीडियो में डिटेल दिया आपको समझ में आया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। ओके क्रिकेटर्स, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बिलीव इन योर सेल्फ, प्रैक्टिस वेल, एंड यस परफॉर्म एट द राइट प्लेस। गुड बाई, टेक केयर, स्टे सेफ।